हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस ट्यूटोरियल। आज हम बुद्धि के तंत्र सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसको इंग्लिश में ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। इसके प्रतिपादक स्टर्नबर्ग थे। इन्होंने इसका प्रतिपादन एक बुक के माध्यम से किया था। बुक का नाम था बियॉन्ड आईक्यू। इन्होंने बताया था कि उनके बुद्धि में जो है तीन प्रकार के कारक होते हैं। वो तीनों प्रकार जो होते हैं जी कारक का ही अंश होते हैं। जी कारक मतलब जनरल, यानी कि सामान्य कारक, जो कि स्पीयरमैन द्वारा सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दिया गया था, उसमें जी कारक के तीनों ही अंश होते हैं। परंतु ये आपस में, इनमें कोई सहसंबंध नहीं होता, ये आपस में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। इसे सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा गया तो हम इसको सूचना संसाधन सिद्धांत भी कह सकते हैं। बुद्धि कई प्रकार के बेसिक स्किल्स में बटी होती है, यानी कि कई प्रकार के मूल तत्वों में बटी होती है, और हर स्किल से व्यक्ति को कोई ना कोई सूचना प्राप्त होती है। तो व्यक्ति में, इन्होंने तीन प्रकार की बुद्धि बताई कि व्यक्ति में तीन प्रकार की बुद्धि होती है, इसीलिए इसका नाम तंत्र सिद्धांत रखा गया है। इसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं जो इनके तीनों तंत्र थे, ACC। अब हम आपको बताते हैं ACC कैसे। पहला इनका जो बुद्धि का प्रकार है वो है विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसको इंग्लिश में एनालिटिकल कहते हैं, जहाँ पे ACC में ए स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसको घटकीय बुद्धि से भी जाना जाता है। दूसरा है सृजनात्मक बुद्धि, यानी कि क्रिएटिव, यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिव। इसको अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। थर्ड है व्यवहारिक या संदर्भात्मक बुद्धि, यहाँ पे तीसरा सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्टुअल। इसलिए आपको याद करने के लिए आप ACC याद करके रखें तो भी आपको याद करने में आसानी होगी। अब हम देखते हैं कि विश्लेषणात्मक बुद्धि में क्या आता है। किसी भी समस्या को समाधान में, समस्या को उसके कई भागों में बांट करके समाधान करने की इसमें क्षमता होती है। कोई हमारे पास प्रॉब्लम आई, उसको पार्ट बाई पार्ट एक पक्ष को देखेंगे, एक एक पक्ष को सॉल्व करेंगे तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड है क्रिएटिव। इसमें, इसके नाम से ही पता है कि क्रिएटिव सृजनात्मक बुद्धि होती है। इसमें नई आवश्यकताओं, नई क्षमताओं के आधार पर समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान की अधिकता होती है। तीसरा है संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि। व्यक्ति इससे सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे उसको अधिकाधिक लाभ हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने के लिए व्यक्ति अपने स्वार्थी हो जाता है और अपने हिसाब से बात को तोड़कर, मरोड़कर, मोड़कर पेश करता है और सूचनाओं को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों में पर्यावरण समायोजन की क्षमता बहुत अधिक होती है और वे बहुत व्यवहार कुशल भी होते हैं। स्टर्नबर्ग ने इन सिद्धांत के लिए मेनली पांच स्टेप्स बताए हैं कि ये जो सिद्धांत है वो पांच स्टेप में होकर के जाता है। इसका पहला है एनकोडिंग, यानी कि कूट संकेत। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को हमें माइंड में सेट करना होता है, कोडिंग करनी होती है, जैसे कि कंप्यूटर्स में होता है कि हम अपनी जानकारी सूचनाओं को इनकोड करते हैं। सेकेंड है अनुमान, यानी कि इन्फेरिंग, जो हमारी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं उनका हम अनुमान लगाते हैं। थर्ड है व्यवस्था, मैपिंग। मैपिंग जो होता है कि हमारी जो पास्ट सिचुएशन थी और जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें संबंध स्थापित करना, उनको रिलेशन बना करके उसको जोड़ना। इसका जो फोर्थ है चरण, स्टेप जो है उसका उपयोग, यानी कि एप्लीकेशन, जो हमने ये रिलेशन प्राप्त किया है उस रिलेशन का वास्तविक उपयोग हम कहाँ करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। पाँचवा है अनुक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स। संभावित जो हमें समस्या आई है उसको, उसका बेस्ट सॉल्यूशन इसके अंतर्गत खोजा जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।